अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बिलाल उमर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं सुपर हैवी M9 के ऊपर और बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज 1 के साइट के ऊपर। दोस्तों आपने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 की बेशुमार वीडियोस हमने आपको दिखाई है। बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मैं समझता हूँ कि ये सुपर हाईवे का एक शाहकार प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस वक्त अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये मेन सुपर हाईवे M9 और ये बिल्कुल इसके साथ ही है। और यहाँ पर अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले कि ये बिन एहसान फेज़ 1 का फ्रंट है, यहाँ पे ऑफिसेज बने हैं, यहाँ पर इसका फ्रंट बना हुआ है, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत अच्छी बनाई है। दोस्तों आज से 3 साल पहले यहाँ पर इसके रेट जो थे वो 2,40,000, जो उस वक्त यहाँ पर न इंफ्रास्ट्रक्चर बना था न इसकी मुकम्मल इस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन वही प्लॉट आज 20 लाख से ऊपर उसकी कीमत जा चुकी है। तो दोस्तों ये बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स की डेवलपमेंट का काम आप देखें, यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें और आज मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा। हम इसी तरीके से इसका दूसरा फेज भी दिखाएंगे जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे। और दोस्तों यहाँ पर सुपर हाईवे का ये शाहकार प्रोजेक्ट इसलिए कि ये वक्त के साथ साथ इसकी डेवलपमेंट भी बेहतरीन अंदाज में चल रही है। जी तो दोस्तों बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 में इस वक्त हमारे पास इसके नए ब्लॉक भी लॉन्च हुए हैं, वहाँ पर आपको कम प्राइस में आपको इंशाल्लाह प्लॉट भी मिल सकता है। और मज़ीद हम आपको अंदर की व्यू भी दिखाएंगे, उसके प्राइस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको हर किस्म की इन्वेंट्री यानी कि कम बजट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो उसके नए ब्लॉक यहाँ पर लॉन्च हुए, वहाँ पर करें इंस्टॉलमेंट पे भी, कैश के ऊपर भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो पुराने प्लॉट से जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे जाते हैं 120 गज के जो प्लॉट से, उसकी इन्वेंट्री भी हमारे पास मौजूद है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बिन एहसान ग्रीन सिटी के फेस पे। यहाँ पर इस वक्त आपको मैं दिखाता चलूँ, कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम बाकायदा शुरू हो चुका है और यहाँ से मेन एंट्रेंस से बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ अंदर की भी ज़मीन को जो है वो प्लेन कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको 120 गज 240 गज की कैटेगरी मिलेंगी, यहाँ पर 500 और 1000 गज की कैटेगरी भी मौजूद है। इस वक्त 120 गज का जो मैं आपको बताऊं कि रेट बहुत मुनासिब है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत कम वक्त के लिए ये ऑफर आपके पास मौजूद है। 5,95,000 रुपये कैश के ऊपर आपको 120 गज का प्लॉट इस बिन एहसान ग्रीन सिटी में मिलेगा। दोस्तों तो यही 120 गज अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस पे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमसे रابطہ करें, उसका भी शेड्यूल पेमेंट शेड्यूल हम आपको भेजते हैं। 240 गज का जो प्लॉट यहाँ पर है वो आपको कैश के ऊपर मिलेगा 11 लाख, और अगर आपको वो भी इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रابطہ करके पेमेंट शेड्यूल देखिए तो बहुत ही आसान किस्तों में आपको इस बिन एहसान ग्रीन सिटी के अंदर आपको प्लॉट मिल सकता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको रेट बताया, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ फेज़ 1 के हवाले से कि 3 साल पहले ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे, इस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मेन सुपर हाईवे के ऊपर, वहाँ पर 3 साल पहले जो 2,40,000 का 120 गज का प्लॉट मैं आपको बताता चलूँ था, इस वक्त वो 20 लाख से ऊपर चला गया है। यहाँ पर कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये भी बिल्कुल मेन सुपर हाईवे के ऊपर है और इसकी लोकेशन भी बिल्कुल बहुत अच्छी है, हैदराबाद से आने वाले रोड पर आपको इसकी लोकेशन मिलेंगी। इसके बराबर में भी अगर आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर भी नेवी की सोसाइटी है, जो कि आपको मैं बता सकता हूँ कि आगे फ्यूचर में इस सोसाइटीज़ में कितना बेनिफिट होगा और इसमें कितना बड़ा जंप आने वाला है। दोस्तों बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स ने जो कमिटमेंट अपने कस्टमर के साथ किया, यकीनन वो साबित करके दिखाया, टाइम पे इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे और एक ऐसा नाम है जो कि सुपर हाईवे में एक भरोसेमंद नाम है। तो दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं हम आपको विजिट भी करवा सकते हैं। और विजिट के साथ साथ ये पैकेज जो खासतौर पर आपको मैंने बताया कि बिन एहसान ग्रीन सिटी में 120 गज का प्लॉट जो है जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5,95,000 का, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो भी आपको बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रابطہ करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इंतखाब सूरी। अच्छा अभी आप देख रहे थे कि बिन एहसान के हवाले से वीडियो हमारे साथियों ने बनाई है और
हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने टीम वर्क के साथ काम करें, हमारे टीम में अफराद हैं उनको माशाल्लाह वो लोग भी वीलॉग कर रहे हैं हमारे साथ, और मकसद ये है कि ज़ाहिर है कि आपको इन्फॉर्मेशन, असल चीज़ है कि आप तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और इसमें टीम वर्क ज़्यादा अच्छा काम होता है, और असल आपका जो फ़ायदा है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलना घर बैठे। तो अभी भी नहसान के बारे में हमारे बिलाल भाई और हमारी टीम गई है वहाँ पे, और भी अपने वीडियो में शॉर्ट्स देखे। थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको बता दूँ, आपको इस बात का एतमाद दूँ कि इस वक्त बिन एहसान सुपर हाईवे के उन प्रोजेक्ट्स में से है जो कि न सिर्फ ट्रस्टवर्दी है बल्कि डेवलपमेंट का काम भी अच्छा जा रहा है। कम ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें डेवलपमेंट का काम है। आप देख लें कि बहरिया ने डेवलप किया, कमांडर सिटी ने डेवलप किया, और इक्का दुक्का और होंगे, लेकिन कई प्रोजेक्ट ऐसे जिनके अनाउंस हो चुके हैं, बिक रहे हैं या बिक चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह बिन एहसान और दीगर ने किया। बिन एहसान एक अच्छा ग्रुप है, और काफ़ी हम अरसे से इनकी वीडियोज़ बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियोज़ आपको काफ़ी मिलेंगी बिन एहसान के ऊपर। इनके बिल्डर्स को भी हम जानते हैं, और इनके काम के हवाले से भी इनका परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है। तो आई होप के इट विल बेटर इन फ्यूचर रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये है कि ये चीज़ें अभी आप देख रहे हैं कि इनमें तीन फेजेस पे इस वक्त चल रहा है ये बिन एहसान। एक फेज़ जो है फेज़ वन कहलाता है, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ वन। ये जब आप जाते हैं तो ये आपको जो है सामा मिड टाउन के नाम से आपने देखा होगा प्रोजेक्ट आया है, ये उससे पहले बल्कि पड़ता है। ये आप DHS सिटी से आगे बढ़ते हैं तो आपको कमांडर सिटी मिलता है, और कमांडर सिटी के बाद ये प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये इसके फेज़ वन है, और फेज़ वन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी काम हो चुका है वहाँ पर। उसमें जो है आप ग्रीनरी भी देख रहे हैं, आपको डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, काम भी देख रहे हैं। इसमें पीछे तक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, और आपको साथ साथ बताता चलूं कि इसी में ओवरसीज ब्लॉक भी हैं, फार्म हाउसेज भी हैं। इसी तरह इसी के बिल्कुल जस्ट अपोजिट सामने की तरफ जो है वो उनका फेज़ टू कह लें, या इसको हम बिन एहसान ग्रीन सिटी के नाम से हम इसको कहते हैं। और बिन एहसान ग्रीन सिटी जो है वो सामने जो है उसमें भी काफ़ी तेज़ काम चल रहा है, और बिल्कुल दोनों के प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि बिल्कुल रोड पर हैं, मेन सुपर हाईवे M9 के ऊपर है। और अगर आप इसकी लोकेशन को समझना चाहें तो आप जब एग्ज़िट 6 जो कहलाता है, जो M9 पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, तो एग्ज़िट 6 से आप वापस आएंगे तो इस जगह आप पहुँचेंगे। तीसरा जो इनका प्रोजेक्ट है वो जो है नूरियाबाद पर है, और नूरियाबाद पर आप के अंदर ये काफ़ी बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। तरह में 4000 एकड़ पर इनके पास लैंड है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी NOCs भी हो रही हैं और डेवलपमेंट हो रही हैं, और जाहिर है कि यूजुअली सारी NOCs मिलती नहीं, और जैसे डेवलप करते जाओ उसके लिहाज से देखते हुए परफॉर्मेंस के बेस पर। साथ साथ ये भी होता है कि आप वहाँ पर जो है वो NOCs के लिए जाहिर एक बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अखराज भी बहुत होते हैं। तो बहरहाल बिन एहसान के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा है, यहाँ पर जो है आप तेज़ काम आपको मिलेगा, सुपर हाईवे की अच्छी लोकेशंस है, और कराची और हैदराबाद को बिलाखिर एक होना है। ये जगहें जो है आपको ROI के लिहाज से अच्छी रहेंगी, आप रहें ना रहें, लेकिन यह है कि यहाँ पर आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अब इस वक्त प्रॉपर्टी स्लो है, इस वक्त स्लो होने का फ़ायदा आपको ये कि बिन एहसान ने ऑफ़र्स किए हैं, इससे फ़ायदा उठाओ। दिस इज़ द बाइंग टाइम, यूजुअली वी से दिस इज़ द बाइंग टाइम, और अभी ग्रो करेगी मार्केट तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। यही प्लॉट आपको महंगे मिलते हैं, लेकिन ये अभी इन्होंने ऑफ़र्स दी हुई हैं, इन ऑफ़र से आप फ़ायदा उठाएँ। ऑफ़र्स क्या हैं वो थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी जो है उसके अंदर अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ, जिसके जो सीधे हाथ पे पड़ेगा, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफ़र है कि 5,95,000 को आपको 120 गज का प्लॉट मिल रहा है कैश के ऊपर। 5,95,000 का कैश पर आपको प्लॉट मिल रहा है, 240 गज का प्लॉट आपको 11,00,000 का मिल रहा है, और इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यह आप बताते चलो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अकब इसके सिंध एम्प्लॉज़ सोसाइटी भी है मशहूर। ये साथ साथ आपको बताता जाऊं कि इस वक्त ये काम जिस तरह चल रहा है, मैं महसूस करता हूं कि ये इंशाल्लाह जल्द एक अच्छा नक्शा, जिस तरह फेज़ वन में आपको नक्शा नज़र आ रहा है, यहां पर भी आपको ये नक्शा महसूस किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं फेज़ वन की बात करूं जो कि लेफ़्ट साइड पर है, सामने मिड टाउन से पहले है,
तो इसके इसके बारे में बता दूं कि ये आपको इस वक्त 9,99,000 का प्लॉट मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा B1 से लेकर D1 तक के जो है पीछे के ब्लॉक्स हैं उसमें हैं, लेकिन शुरू के ब्लॉक्स में आप आएंगे तो वो 20,50,000 का है। ये 20,50,000 भी बुरे नहीं है कैश के ऊपर, इसलिए कि ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो आप हमारे नुमाइंदों से रابطہ करें, अभी ये बिलाल भाई ने वीडियो बनाई, इनसे रابطہ करें, हमारी टीम से रابطہ करें, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर मौजूद हैं बिना साल पे, और इसमें आप की इन्वेस्टमेंट जो है ना फीजिबल रहेगी। तो इस तरह जो है आप बिनसान के बारे में बस मैं ये आपको एतमाद दिलाना चाह रहा था कि इनके दफातर भी मौजूद हैं काफ़ी शहर में, 3-4 जगहों पे इनके दफातर खुल चुके हैं, फ्लो अच्छा है इनका। इनकी फ्रंट लाइन एक बड़ा नाम है जो मार्केटिंग कर रहा है, वो फ्रंट लाइन हो, स्टार मार्केटिंग हो, ज़मीन.com है, ये लोग भी जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो इस बात का इत्मीनान करते हैं कि यार सही है कि नहीं, क्योंकि उनकी स्टेक, उनकी इज्जत इससे वाबस्ता होती है, उनकी गुडविल इससे वाबस्ता होती है। अगर कोई गलत प्रोजेक्ट वो शुरू करेंगे तो वो उनकी अपनी बात ख़राब होगी, तो एक ट्रस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और हम भी प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम चीज़ों को देखते हैं कि यार कौन बिल्डर कैसा है, उनकी ज़मीनें कैसी हैं, उनकी इंटेंशंस कैसी हैं, उनकी डिलीवरी टाइम कैसा है, उनके आगे काम करने का रुझान कैसा है, ये सारी चीज़ें हम भी देख रहे थे, लीगैलिटी कैसी है इनकी। तो बहरहाल एनी हाउ आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट हेयर, यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। और अभी क्योंकि प्रॉपर्टी स्लो है, दिस आई कैन नॉट से कि आपने अभी पैसा लगाया और 2-4 महीने में आपको मिल जाएगा। तो हो रहा था पिछले सालों में, ऐसे ही हो रहा था। हमने अलगफूर ग्रीन सिटी पे, हम लोग अलगफूर ग्रीन सिटी पे काम कर रहे हैं, और भी हमारे अखरा आयशा के प्रोजेक्ट हैं, सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम उन्हीं प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसको सबसे पहले हमारा देखते हैं कि हम उसकी लीगैलिटी कैसी है, एतमाद हमें है उसमें, फिर बिल्डर देखते हैं, फिर डेवलपमेंट देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख के फिर हम सोचते हैं कि यार ये यहाँ पर होना चाहिए। तो बिनसान ग्रीन अच्छा है, प्रोजेक्ट में से एक है, और आप जो है वो इनमें आप हमसे रابطہ करें। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि हमने वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया है, आप लोग के कोलैबोरेशन से भी हम वीडियो बना सकते हैं। आप कहीं काम कर रहे हो रिलायबल प्रोजेक्ट में, अगर आप हमें प्रमोशन लेके आए मकानात वगैरह की, तो हम कोलैबोरेशन से कर सकते हैं और आपकी चीज़ भी इंशाल्लाह बिकेगी। साथ साथ हमारी शादा मार्केटिंग हमारी कंपनी है, उसमें हम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली हमारी टीम है पूरी, हमारा एक पूरा सेटअप है, तो उसमें आपके हम ताबुन आप हासिल कर सकते हैं। हमारे आपके प्रोजेक्ट्स हो, आपकी सोसाइटी हो, आपका कोई अच्छा सा मकान हो, ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि हम बेचने में हम स्मार्ट वर्क करते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट में ज़रूर दिलचस्पी लेंगे। अल्लाह हाफिज़।